आपको बता दें कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी जारी करेगी मैनिफेस्टो। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मैनिफेस्टो जारी करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय से 4 बजे मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए 4 बजे का समय रखा गया है जब कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। देखिए पहले बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसमें कई वादे किए गए और अब बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ लोक लुभावने वादे किए जाते हैं इस मैनिफेस्टो के जरिए, ये दिखने वाली बात रहेगी। देखिए शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी ने रविवार को मैनिफेस्टो जारी किया और अब कांग्रेस की तरफ से यानी कि आज शाम 4 बजे मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस क्या गारंटियां लेकर आती है, क्या वादे जनता से करती है, ये दिखने वाली बात रहेगी। लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तरीके से डटी हुई है कि नगर निगम का चुनाव जीत लिया जाए, और यही वजह है कि देखिए लगातार जो है जनता के बीच भी पहुंचा जा रहा है और जनता से वादे भी किए जा रहे हैं। अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। अरुण जी देखिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा, क्या खास रहने वाला है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में? देखिए शिमला नगर निगम चुनाव एकदम से आप इसको ये मानकर चलिए कि हाई प्रोफाइल चुनाव बनता जा रहा है। भाजपा के 21 जिसको गारंटी नहीं कहा लेकिन उन्होंने कहा कि ये आने वाले वक्त में जो पार्टी की शिपक शहर को संवारने की सबसे बड़ी योजना के रूप में उसको उन्होंने 21 पॉइंट्स के ऊपर अपने नीति पत्र को जारी किया है। आज 4 बजे के करीब प्रतिभा सिंह जो पार्टी की अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये दोनों बड़े नेता कांग्रेस के दृष्टि पत्र को जारी करेंगे। वो उसको गारंटी का नाम पहले कांग्रेस दे चुकी है जबकि दृष्टि पत्र का नाम भाजपा दे चुकी है। लेकिन आप एक चीज को समझिए, कांग्रेस और भाजपा के तमाम बड़े चेहरे शिमला नगर निगम के छोटे जैसे चुनाव के अंदर अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि शिमला नगर निगम का चुनाव कैसे रहने वाला है। एक बहुत बड़ी टीम के साथ भाजपा अपना काम शिमला नगर निगम के भीतर कर रही है और कांग्रेस की कहें तो इसके ये सत्ता में जैसी सरकार है और इसके मंत्री एक बड़ा चुनाव के रूप में आप इसको जरूर देखेंगे और ये चुनाव ऐसा रहने वाला है जिसमें सत्ता में आई कांग्रेस बाजी छीनने की कोशिश भाजपा कर रही है और हाल ही में बदले गए पार्टी के अध्यक्ष राहुल बिंदल को जिस तरह से बदला गया है ये चुनाव बहुत ज्यादा रोचक है। लेकिन ये जो गारंटी कांग्रेस अब जारी करने वाली है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आम चुनावों को भी उसने गारंटी के बंदूकों जीतने का एक पक्ष खेला था, एक ऐसा गारंटी का वादा था जिससे हिमाचल के लोगों को आत्मसात करके उन्हें सत्ता पर आज जो कांग्रेस का नगर निगम का चुनाव का एक गारंटी आएंगी उनमें इन बातों में शामिल किया जाए क्योंकि ये बिल्कुल साफ है यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, यहाँ पानी की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी में इसको बदलने का माहौल, पूर्व स्मार्ट सिटी के उसमें भ्रष्टाचार के मामलों के ऊपर पहले ही कांग्रेस ने इशारा दे चुकी है कि वो पूर्व भाजपा की सरकार के समय में स्मार्ट सिटी में धमने की जानकारी देंगे। तो तमाम चीजें आपको देखने वाली है, इंतजार रहेगा कांग्रेस गारंटी के रूप में किस बात का करती है, क्या ये गारंटी उसी तरह से लुभाने वाली होंगी जिसमें बिजली मुफ्त पानी मुफ्त देने की क्या घोषणा कांग्रेस लेकर आती है, स्मार्ट सिटी के किन पहलुओं को आगे बढ़ाने की घोषणा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी के लिए।